नमस्कार दोस्तों, भगवान विष्णु ने बताया घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नरक, घर का पतन होता है या उत्थान। एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। तब माता लक्ष्मी ने पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, आप उसका उत्तर बताकर मेरे मन को संतुष्ट करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, ठीक है, आप अपना प्रश्न बताओ, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देकर आपके मन को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करूँगा। माता लक्ष्मी ने कहा, हे स्वामी, मेरा प्रश्न यह है कि घर में कुत्ता पालने से स्वर्ग मिलता है या नरक, सुख मिलता है या दुख, गरीबी आती है या अमीरी, उत्थान होता है या पतन। माता लक्ष्मी का प्रश्न सुनने के बाद भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज्ञानवर्धक है। यह मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसीलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देता हूँ। इसीलिए मैं आपको जब तक कहानी सुनाऊँ तब तक इस कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता है। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, ठीक है, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे, मैं इस कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी, आप कहानी को प्रारंभ कीजिए। फिर भगवान विष्णु कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, वह बहुत दान पुण्य और पूजा पाठ करती थी। वहीं उस बुढ़िया को कुत्तों से बहुत लगाव था, इसीलिए उसने अपने घर में एक कुत्ते को पाल रखा था। वह उसे रोजाना स्नान कराती, खाना खिलाती और बिस्तर पर सुलाती थी। उस बुढ़िया के घर में वह कुत्ता हर स्थान पर घूमने फिरने के लिए स्वतंत्र था। फिर एक दिन अचानक उस बुढ़िया की तबीयत खराब हो जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बुढ़िया के बेटे और बहुएं आते हैं और अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर बुढ़िया की मृत्यु के बाद यमराज ने अपने यम दूतों को भेजा और कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया को लेकर आओ। फिर जैसे ही यम दूत उस बुढ़िया को लेने के लिए आते हैं तो वह बुढ़िया यम दूतों के साथ जाने लगती है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी आई। वहाँ पर पहुँच कर यम दूत उस बुढ़िया से कहने लगे, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा, और इस नदी को पार तुम तभी कर सकती हो जब तुमने अपने जीवन में कभी गाय का दान किया हो। यमदूतों की बात सुनकर वह बुढ़िया सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगती है, क्योंकि उसने गाय का दान किया था। और फिर अचानक वहाँ पर एक गाय प्रकट हो जाती है, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुढ़िया उस नदी को पार कर जाती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं, जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक देते हैं। यमदूत कहने लगे, हे बुढ़िया, यदि तुमने अपने जीवन में कभी कुत्तों को भोजन खिलाया होगा तभी यह कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता देंगे। यमदूतों की बात सुनकर वह बुढ़िया अपने सच्चे मन से कुत्तों का आह्वान करने लगती है। तभी उसी समय पर वह सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाते हैं। फिर वह बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे की ओर चल देती है। वहीं थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बुढ़िया के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगता है, जिसको देखकर यमदूत उस बुढ़िया से पूछता है, हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा की है? क्योंकि उस बुढ़िया ने सारे जीवन भर हमेशा साधु संतों का सम्मान किया और उनका आदर सत्कार किया। तब वह बुढ़िया यमदूतों की बात सुनकर साधु संतों को सच्चे मन से याद करने लगती है। इसके बाद वह कौवा उस बुढ़िया को चोंच मारना बंद कर देता है और वहाँ से वह बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे की ओर चल देती है।
फिर थोड़ी दूर चलने के बाद जब वह बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर बढ़ने लगते हैं तो उस बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगते हैं, हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल दान किए हैं? क्योंकि उस बुढ़िया ने अपने जीवन में बहुत बार जूते और चप्पलों का दान किया था, जिसके बाद वह बुढ़िया उन यमदूतों की बात सुनकर जूते चप्पलों का आह्वान करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते उस बुढ़िया के पैरों में चप्पल आ जाती है और फिर वह बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, फिर यमदूत उस बुढ़िया को यमराज के पास लेकर जाते हैं। फिर यमराज बुढ़िया को चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं। तभी चित्रगुप्त यमराज से कहते हैं, यह कौन है और आप यहाँ किसको लेकर आए हैं? तब यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि इस बुढ़िया ने अपने पूरे जीवन में बहुत दान पुण्य किए हैं, भगवान का भजन भी किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इसके दान पुण्य आदि का फल नहीं मिल सकता है और यह स्वर्ग में नहीं जा सकती है। तब वह बुढ़िया यमराज से कहती है कि मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। यमराज कहने लगे, हे बुढ़िया, देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी यहीं भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला है। इसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य का फल नष्ट हो गया है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उसके यहाँ पर देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कुत्ता घर में हो और किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुँचने वाली वस्तुएँ भी देवता स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञ पवित्र भी खंडित हो जाते हैं, अर्थात धर्म अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ पर तो ब्राह्मण भी नहीं जाते हैं। वहीं कुत्ता यदि किसी का सूंघ लेता है तो सूंघने मात्र से ही इंसान अपवित्र हो जाता है। वहीं कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन भी खाने के योग्य नहीं रहता है। इन्हीं कर्मों से कुत्ते को कभी भी घर के अंदर पाला नहीं जाना चाहिए। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाता हूँ। कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण तो युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया था। जब युधिष्ठिर ने भगवान इंद्र से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता हूँ, तब देवराज इंद्र ने कहा, हे धर्मराज, आज कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्य का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से पलित घर में किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म के फल को क्रोधवश नामक राक्षस उसका हरण कर लेता है। और तो और, उस घर के सदस्य जो कोई दान पुण्य हवन और कुआं बावड़ी इत्यादि बनाने के जो भी पुण्य फल इकट्ठा करते हैं वह सब घर में कुत्ते के पालने से या कुत्ते की दृष्टि पड़ने मात्र से ही वह सारा फल निष्फल हो जाता है। इसीलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन खिलाना चाहिए। घर की रोज की एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। वहीं कुत्ते को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और दूर से ही इसकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर हमेशा कुत्ता, कौवा, चींटियाँ आदि को भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत ही फल दायी होता है। मृत्यु लोक पर अक्सर देखने को मिलता है कि गाय और बूढ़े माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्तों को घर के अंदर पालते हैं, और जिस घर में ऐसा होता है उस घर का एक दिन निश्चित ही पतन हो जाता है। इसीलिए यदि स्वर्ग में जाना है
सुख भोगना है, धनवान होना है, घर में सुख समृद्धि लानी है, जीवन का पतन होने से बचना है, तो गाय और बूढ़े माता पिता को घर के अंदर रखें और सेवा करें कुत्ते को घर से बाहर रखें, क्योंकि कुत्ते को घर के बिस्तर पर या गलीचा आदि पर सुलाने से घर का पतन हो जाता है। कुत्ते को पालना गलत बात नहीं है, लेकिन घर के अंदर नहीं, घर के बाहर कुत्ते को रखें। कुत्ते को नियत स्थान पर ही रखना चाहिए और खाना खिलाना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियाँ आसपास भी नहीं भटकती है। वहीं कुत्ते को खाना खिलाने से यमदूतों का भय नहीं रहता है। कुत्ता भूत प्रेत और आत्माओं को सूंघ सकता है, उन्हें देख सकता है। जिस घर के लोग कुत्ते को खाना खिलाते हैं, ऐसे घरों में कभी भी बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती हैं। वहीं कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान शनि देव के आशीर्वाद के साथ साथ कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। कुत्ते को खाना खिलाने से घर में जल्द ही बच्चे का जन्म होता है। आकस्मिक दुर्घटना का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि कुत्ते को पहले से ही दुर्घटना का आभास हो जाता है। इसीलिए यदि कुत्ते को कभी पालना हो तो घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर किसी नियत स्थान पर ही पालना चाहिए, क्योंकि कुत्ते को घर के बाहर पालने से और खाना खिलाने से हमेशा घर की उन्नति होती है। फिर यमराज की बात सुनकर वह बुढ़िया आश्चर्यचकित हो जाती है और यमराज से कहने लगती है, हे यमराज, आप मुझे केवल 7 दिन का समय दे दीजिए और मुझे वापस धरती लोक पर भेज दीजिए। इसके बाद मैं इन 7 दिनों के अंदर कुत्ते को घर के बाहर नियत स्थान पर रखूँगी और पुनः पूजा पाठ करूँगी, दान पुण्य करूंगी, भगवान का सुमिरन करूंगी। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, उस बुढ़िया की बात सुनकर यमराज उस बुढ़िया को वापस पृथ्वी लोक पर भेज देते हैं। जब वह बुढ़िया धरती लोक पर वापस आती है और जब गांव के लोग उस बुढ़िया को देखते हैं तो वह सब भयभीत हो जाते हैं और उसके डर की वजह से वह लोग चारों तरफ भागने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो भूतनी बन गई है, भागो यहाँ से। फिर जब वह बुढ़िया अपने बेटों और बहुओं के पास जाती है तो वह भी उससे डर कर अपने दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। इसके बाद वह बुढ़िया अपने बेटों और बहुओं को बताती है कि मुझे यमराज ने केवल 7 दिन का समय दिया है, क्योंकि मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी जिसको मैं पूरा करने के लिए आई हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक मैं अपने घर के अंदर कुत्ता पालती थी, यह बात मुझे पता नहीं थी कि घर के अंदर कुत्ता पालने से कभी भी स्वर्ग में स्थान नहीं मिलता है और जो भी पूजा पाठ दान पुण्य का फल होता है वह भी निष्फल हो जाता है। इसीलिए मैं घर के अंदर से इस कुत्ते को निकाल कर बाहर करने आई हूँ। अब मैं इस कुत्ते को घर के बाहर एक नियत स्थान पर रखूंगी और इसको खाना खिलाऊंगी और दान पुण्य करूंगी, भगवान की पूजा पाठ करूंगी, हवन यज्ञ आदि करूंगी, तभी मुझे मेरे किए गए दान पुण्य का फल प्राप्त होगा और मुझे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। फिर उस बुढ़िया की बात सुनकर उसके बेटे और बहुएं उसकी बात मान लेते हैं और घर में रहने की अनुमति दे देते हैं, साथ ही पूजा पाठ करने के लिए सारी पूजा सामग्री भी लाकर देते हैं। फिर घर के अंदर आने के बाद वह बुढ़िया उस कुत्ते को घर से बाहर निकालती है और घर से बाहर एक नियत स्थान पर रखती है और उसको भोजन खिलाती है। फिर धीरे धीरे वह बुढ़िया भगवान का नाम सुमिरन करती है, भगवान का भजन कीर्तन करती है, भगवान को भोग लगाती है, दान पुण्य करती है, हवन यज्ञ आदि करती है, गाय को भोजन कराती है। जब गांव वालों को पता चलता है कि यह बुढ़िया 7 दिनों के बाद स्वर्ग में पहुंच जाएगी तो गांव के सभी लोग ऐसा नज़ारा देखने के लिए, उसकी पूजा पाठ को देखने के लिए उस बुढ़िया के पास आते हैं। फिर वह बुढ़िया अपनी पड़ोस की एक औरत से कहानी सुनने का आग्रह करती है, तब वह पड़ोसन भी उस बुढ़िया की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह बुढ़िया उस पड़ोसी औरत को पूरी कहानी सुना देती है, पूजा पाठ
करने के बाद 7 दिन बाद यमराज उस बुढ़िया से प्रसन्न होकर उसके स्वर्ग में आने के लिए अपना दिव्य विमान नीचे धरती लोक पर भेज देते हैं। उस दिव्य विमान को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान को देखते हैं तो मन में सोचने लगते हैं कि यह बुढ़िया तो अब स्वर्ग में जा रही है, तो हम सभी को भी इस दिव्य विमान में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इसके साथ हम सबका भी कल्याण हो जाएगा और हमें भी स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, फिर जब गांव के लोग स्वर्ग से आए हुए उस दिव्य विमान में बैठने का प्रयास करते हैं तो वह बुढ़िया सभी लोगों से यह कहती है कि तुम लोगों ने धर्मराज की कहानी नहीं सुनी है, जिसके कारण तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो। तुमने दान पुण्य नहीं किए हैं, तुमने अपने बूढ़े माता पिता की सेवा नहीं की है, तुमने भूखों को भोजन नहीं कराया है, तुमने यज्ञ हवन आदि पुण्य कार्य नहीं करवाए हैं, इसी कारण से तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में नहीं जा सकते हो। मेरे साथ केवल मेरी पड़ोसन ही जा सकती है, क्योंकि इसने 7 दिन तक मेरे साथ बैठकर भगवान की कथा सुनी है, भगवान की पूजा पाठ की है, दान पुण्य किया है और ईश्वर का सच्चे मन से ध्यान लगाया है। उस बुढ़िया की बात सुनकर गांव के लोग भी कहने लगे कि हमारा आपसे निवेदन है कि हमें भी ईश्वर की महिमा सुनाओ, जिससे हमारा भी कल्याण हो सके। गांव वालों की बात सुनकर वह बुढ़िया सभी को भगवान की महिमा सुनाने लगती है। इसके बाद जितने भी गांव वालों ने भगवान की महिमा को सुना तो सभी लोग उस दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं। फिर स्वर्ग लोक में सभी लोगों को देखकर यमराज कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ इस बुढ़िया के लिए यह दिव्य विमान भेजा था, परंतु तुम सब लोग कैसे आ गए। तब वह बुढ़िया यमराज से कहती है, हे धर्मराज, मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पुण्य कमाया है उसका आधा पुण्य इन सभी को दे दीजिए, मगर इनको स्वर्ग में ही रहने दीजिए। फिर उस बुढ़िया की बात सुनकर यमराज सभी लोगों को स्वर्ग लोक में रहने का स्थान दे देते हैं। इसीलिए कुत्ते को घर के अंदर नहीं पालना चाहिए, यदि कुत्ता पालना है तो घर के बाहर ही पालना चाहिए। कुत्ते को घर के अंदर पालने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, वहीं पूर्वजों की आत्मा भी मोक्ष प्राप्ति के लिए भटकती रहती है और ऐसा घर कभी भी उन्नति नहीं करता है। ऐसे घर में लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है और ऐसे घर का हमेशा पतन हो जाता है। वहीं घर के बाहर कुत्ते को खाना खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिसकी वजह से लक्ष्मी की कृपा ऐसे घर पर बनी रहती है और ऐसे घर का हमेशा उत्थान होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कुत्ते को भोजन कराने से घर के किसी भी सदस्य पर आई हुई विपदा भी टल जाती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी लक्ष्मी, इसीलिए कुत्ते को खाना खिलाना चाहिए, परंतु कुत्ते को घर के अंदर नहीं बल्कि घर के बाहर रखना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल व्रत त्यौहार और कथाएँ को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री हरि विष्णु।